उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पन्ना विधानसभा के अजयगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल आम सभा को संबोधित किया। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लोधी महेंद्र पाल वर्मा के पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए मनुवाद और सामंतवाद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मनुवाद और सामंतवाद का विरोध होना चाहिए। उन्होंने कहा इस तरह की सोच से समाज नहीं चलेगा। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पहचान जब वह सत्ता में आए तब हुई, जबकि योगी आदित्यनाथ की पहचान ही तब हुई जब वो उत्तर प्रदेश के सीएम बने। कांग्रेस की वजह से देश की भी प्रोग्रेस हुई है, तो जो ये सपना दिखा रहे हैं कि 13 करोड़ आबादी अब गरीबी रेखा से बाहर हो गई है, तो मध्य प्रदेश के 1 करोड़ लोग तो कम से कम गरीबी रेखा से बाहर आए होंगे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। तो पन्ना जिले में भी तो कुछ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए होंगे, क्या ये सच बताया जा रहा है? और जिस होटल में प्रधानमंत्री जी ये बड़ी बड़ी बातें गरीबों के लिए कह रहे थे, उस होटल में तड़का दाल 950 रुपये की मिलती है, काली दाल 1000 रुपये की एक प्लेट मिलती है, और अगर गेहूं की रोटी दाल के साथ खाओगे तो कम से कम आपकी जेब से 400 रुपये निकाले जाएंगे, तब रोटी मिलेगी आपको।